हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही नया और अचूक उपाय बताने वाले हैं, पांच दियों का बहुत ही आसान उपाय, जिसे आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस उपाय को करने के लिए। इस उपाय का लाभ क्या है, पाँच दियों वाले उपाय का, वो मैं बता देती हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, धन संपदा, धन लाभ के लिए, धन वृद्धि के लिए। अगर कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, आए दिन कर्ज लेना पड़ता है, धन नहीं रुकता है, पैसा नहीं टिकता है, धन की वृद्धि नहीं होती है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं है, ये सब समस्याएं हैं, तो आपको ये उपाय करना है, जिससे आपके घर की बरकत बनी रहेगी, धन की बरकत और आवागमन धन का होता रहेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अधिक मास में और सावन मास में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सात तिथियां बताई गई हैं। सात तिथियां कौन कौन सी हैं? एक तो पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। ये सात तिथियों में किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक ही इसी को उपाय करना है, एक दिन छूट गया तो नहीं कर सकते हैं, कैसे करें, या कई दिन करना, नहीं। आप किसी भी दिन, जिस भी दिन आप चाहें इन तिथियों में से, उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। अधिक मास में आपको पंचमी एक मिलेगी 6 अगस्त को, और अष्टमी मिलेगी 26 जुलाई को और 9 अगस्त को। एकादशी मिलेगी 29 जुलाई और 12 अगस्त दो मिलेंगी। प्रदोष 30 जुलाई 13 अगस्त को मिलेगा। शिवरात्रि 14 अगस्त को मिलेगी। अमावस्या 16 अगस्त को। और पूर्णिमा मिलेगी आपको 1 अगस्त को। ये सारी तिथियां आपको मिल रही हैं। कुछ तो दो दिन मिल रहा है, दो चीज़ें अभी मिल रही हैं, तो आप किसी भी दिन ये उपाय कर लीजिएगा। तिथि सहित किस दिन है वो पूरा आपको डिटेल ये मैंने दिया हुआ है इसमें। अब आपको करना क्या है, जो पांच आप दिए बनाएंगे, वो दिए आपको क्या करने हैं, घी में लगाने हैं। और घी कौन सा रहेगा? गाय का घी का रहेगा। अगर गाय का घी आपको नहीं मिलता है तो तिल का तेल लगा लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है। अब पांच दिए आप लगाएंगे तो बत्ती कैसी रहेगी? बत्ती रहेगी लंबी बत्ती के दिए आपको लगाने हैं, गोल बत्ती नहीं लगाना है पाँचों दियों में। अब तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात ये होती है कि उसमें आपको कितने बाती रखनी है। तो आपको पांच के पांचों दिए में दो दो बाती रखनी है, यानी एक दिए में दो बाती रखनी है, पर जलाना आपको एक ही बाती है। दो बाती रखिएगा, जलाइएगा केवल एक बाती पांचों दियों में। इस तरह से 10 बातियां आप रखेंगे पांचों दियों में, ठीक है। अब उन पांचों दियों को क्या करना है आपको, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मेन दरवाज़ा। अब ऐसा नहीं है एक आपका घर के अंदर एक दरवाज़ा होता है और बाहर लोहे का दरवाज़ा जो मेन गेट होता है, तो आपको मेन गेट के बाहर ये रखना है। ये नहीं कि अंदर के दरवाजे पर आपने रख दिया है, मेन गेट के दरवाजे पर आपको पांच के पांचों दिए वहां पर ले जाकर रखने हैं। और ध्यान क्या देना है आपको कि दिया का मुंह जो हो बाहर की तरफ। अब आपको दिए पूरे गेट पे ऐसे फैला के नहीं रख देने हैं, कि नहीं तो फिर लोग आएंगे जाएंगे कैसे, उसको दिए को लांग के तो अंदर जाना नहीं है, बाहर आना नहीं है, तो इसलिए आपको एक तरफ रखना है पांच के पांचों दिए। तो बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, तो गेट का जो दाहिना तरफ होता है, दाहिनी तरफ, उस हिस्से में आपको रखना है दिए को, ठीक है। दाहिनी तरफ दिए को रख दीजिएगा पाँच के पाँचों दिए, ये कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप गेट पर नहीं रख पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बारिश हो रही है गेट पर कैसे रखें, बाहर नहीं रख सकते हैं, ये सब है, तो आपको एक और तरीका है, ऑप्शन है आपके पास। अगर आप गेट पे ना रखें पांचों दिए, तो आपको रख सकते हैं आपके घर में जो पेड़ पौधे बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं, अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। कौन कौन से पेड़? किसी के घर में अगर बेल का वृक्ष लगा हुआ है या पौधा भी लगाया हुआ है, गमलों में आजकल बहुत लोग लगाते हैं, तो आप उसके नीचे रख दीजिए एक दिया। एक दिया आप आंवले के पेड़ के नीचे रख दीजिए, अगर आपके घर के आसपास भी है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, आंवले के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इसके बाद तुलसी के नीचे एक दिया रख दीजिए। तुलसी, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को मत छूइएगा, तो थोड़ा सा दूर, अगर आप एकादशी को ये उपाय करिएगा तो तुलसी से थोड़ा सा दूर रखिएगा, तुलसी के दिए को आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो शमी का, अगर आपके घर में गमला लगा हुआ है या पौधा लगा हुआ है, तो आप शमी के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, और एक दिया आप अपने गेट पर या भगवान के पास रखते हैं। इस तरह से हो जाएंगे आपके पास दिए, तो आपके घर पे जो पूजा करने वाले पौधे लगे हुए हैं, आप वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं, वो दिए आप उनके नीचे भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मेन गेट पर, जो मुख्य द्वार है वहीं पर रखें, ठीक है। ये दो तरीके हो गए आपको दिए रखने के, मैंने बता दिए पाँच दिए कहाँ रखने हैं। अब तीसरा तरीका ये है,
कि अगर आप चाहते हैं कि अगर यह बारिश हो रही है, बाहर नहीं रख सकते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा मौसम चल रहा है कई जगह पर, तो आप कहाँ रखें? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर पूजा करते हैं, घर का जो मंदिर है या कहीं पर आपने भगवान की फ़ोटो रख रखी है, वहाँ आप पूजा करते हैं डेली, तो जहाँ प्रतिदिन पूजा करते हैं, आपको अपने पाँच के पाँचों दिए भगवान का नाम लेकर के वहाँ पर रख देने हैं। ज़रूरी नहीं है आप कहीं भी जाएँ, भगवान का नाम लीजिए, माता लक्ष्मी का नाम स्तुति करके आपको दिए वहीं पर रख देने हैं, और ये उपाय आपको करना है। बस ध्यान रखिएगा, घी के दिए जलाने हैं और दो आपको बत्तियां जलानी है। पांच दिए पूरे होने चाहिए और दो बत्तियां जलाइएगा। दो बत्ती जलाने का उद्देश्य ये होता है कि उसमें जो एक बत्ती होती है वो तो आपकी यश कीर्ति के लिए होती है, जहां पर बाहर की समाज में आपका नाम बढ़ता है, यश बढ़ता है, यश वृद्धि के लिए होती है एक बत्ती, और जो दूसरी बत्ती होती है वो धन संपदा से संबंधित होती है। तो हम एक बत्ती जलाते हैं और एक नहीं, इस तरह से दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हो, इसलिए दो बत्ती दिए में लगाई जाती है। अगर लंबी बाती का दिया जला रहे हैं तब ठीक है। तो आपको ये बहुत सरल सा उपाय है जो आप तीन तरीके से कर सकते हैं। मुख्य द्वार पे अगर आप रख सकते हैं दिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं आप उनके नीचे रख सकते हैं, नहीं तो कहीं जगह नहीं मिलती है, कुछ नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में, घर जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर पांचों दिए आपको रखने हैं। तिथि का ध्यान रखिएगा, ये सात तिथियाँ जो बताई हैं पंडित जी ने, बस उन्हीं तिथियों पर आपको ये उपाय करने हैं। हर महीने में आपको ये तिथियाँ मिलती हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।